नेचर ने जानवर को इंसान बनाया और अब वही इंसान यूट्यूब शॉर्ट्स पे चाओ की मात्रा, ताई की मात्रा या आ की मात्रा बना घूम रहा है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। वही बात है, कुत्ते को घी हजम थोड़ी होती है। लेकिन ये बात कुत्ते ने तेरे को समझाई कैसे? साले तू। पहले लड़कियां स्कूल के पास ससुराल जाती थी, लेकिन अब स्कूल के साथ रील्स पे आती हैं। देश का जेंडर रेशियो बढ़े या ना बढ़े, लेकिन डैश यापा जरूर बढ़ रहा है। किसी महान आदमी ने कहा था, बनेगा शॉर्ट्स तो आएंगे जाहिल सड़क पे। यहाँ सिर्फ तुम्हारे मोहल्ले में जाहिल थोड़ी है। पहले लोग प्यार करते थे फिर डैश बनते थे, अब लोग पहले डैश बनते हैं फिर प्यार करते हैं। पहले जोड़ियां सड़क में बनाई जाती थी, लेकिन अब जोड़ियां कनॉट प्लेस पे बनाई जाती हैं। इंटरनेट बनाने वाले ने सोचा होगा आई एम रिवोल्यूशनिंग द ह्यूमैनिटी, मगर उस बेचारे को क्या ही पता ह्यूमैनिटी के साथ साथ शॉर्ट्स और रील्स का भला हो रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं हूं देविका गुप्ता, अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो सारा पर सब्सक्राइब कर लेना, बड़े मजे करते हैं। हम सही बता रही हूं, सब कर सारा खबर। चुप, आज सद्दू को अपनी फीलिंग बताई देती। सद्दू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सद्दू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई लाइक यू। वो सद्दू की आंखें एक्सीडेंट में चली गई। अरे अंधी हो गई क्या? देख के चला करो। भैया जिसको आप अंधी बोल रहे हो ना, आज उसी की वजह से आप दुनिया देख पा रहे हो। मतलब इन्होंने ही अपना आप आपको डोनेट किया है। सॉरी रचना, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज देख लाइक। मैंने बोला था ना, पहले लोग प्यार में डैश बनते थे और अब पहले डैश बनते हैं फिर प्यार करते हैं। उसका लाइव एग्जांपल है ये वीडियो। ये शॉर्ट्स वीडियो वाले प्यार कम करते हैं और ऑर्गन डोनेशन कैंप ज्यादा चलाते हैं। कोई किसी को आंख डोनेट कर रहा है, कोई किडनी डोनेट कर रहा है, कोई लीवर डोनेट कर दे रहा है, और शरीर से सारे ऐसे है कि रोड पे बैठा दो, कोई इन्हें दो वक्त का खाना देके चला जाएगा। से नो टू कुपोषण। और एक मिनट, इतने से पत्थर से उसका एक्सीडेंट हुआ, वो अंधा हो गया। सच में इतने से कुछ भी, उससे अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो बंदे का सर भी ना फूटा और वो बंदा अंधा हो गया। सेंस। ओके टाटा बाय बाय। क्या हुआ सद्दू, मुझे इतना जल्दी में क्यों बुलाया? रचना मेरी शादी कहीं और फिक्स हो चुकी है। क्यों? लेकिन मेरी फैमिली तुमसे शादी के लिए नहीं मान रही है। सद्दू मेरा क्या होगा? तुम्हारी सिंपल आई है कि तुम मुझे भूल जाओ। सद्दू मत जाओ मुझे छोड़, मैं तुम्हारे बिना पागल हूं। कोई किसी के बिना पागल नहीं होता, ऐसा पहनने की बातें हैं। पागल है काबे? अरे ये तो सद्दू की जीएफ है। अरे यार सद्दू, तुझे रचना के बारे में पता है? अरे यार वो पागल हो चुकी तुम्हारे बिना। हाँ है, चलो मेरे साथ। रचना मैं तुम्हारा सद्दू। सलमान खान मेट तेरे नाम एंड भैया दीदी आर मेकिंग प्यार, लास्ट स्टेज ऑफ पागलपन बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। एक जोड़ी कपड़े में इसका दिल भी टूट गया, बंदे ने शादी भी कर ली किसी और से, लड़की पागल भी हो गई, इसका दोस्त टकरा करके पहचान भी किया गया, अरे ये तो सद्दू की जीएफ है। मुझे बस दो तीन ऐसे इंसानों से मिलना है जो ऐसी वीडियो से रिलेट कर पाते हैं। उन लोगों को ना मेरे को म्यूजियम में रखना है जो इस वीडियो से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीशीज मस्ट बी प्रिजर्व्ड केयरफुली। इससे होगा ये नेक्स्ट जनरेशन भी देख पाएगी कि अच्छा यही थे वो लोग जिनकी बुद्धि में जंक लग गया था। कैसे गरीब लोग हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बाइक तो ले लेते हैं और सर्विस करवाने की औकात नहीं है। जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी तो क्यों मुझे घुमाने लेके आए? देखो लोग बात कैसी बात कर रहे हैं। छोड़ना यार पायल, लोग तो ऐसे बोलते हैं, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। भैया बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, इसे देख लो। भैया 5 मिनट बैठो, फिर करता हूं। ठीक है भैया। हेलो बेटा, जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, तेरी मां की तबीयत खराब है। ठीक है भैया, आप कहीं और से बाइक करवा लो, मेरा अर्जेंट काम आ गया। भैया संडे और सारी दुकानें बंद है। सॉरी भैया मुझे जाना पड़ेगा, रुको मैं बात करके आती हूं। बेटा 50,000 रुपए लेके आना। 50,000 रुपए? हां बेटा। इतने पैसे कहां से लाऊंगा मैं? चलो भैया मैं सिटी हॉस्पिटल आता हूं। सुनो भाई, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हेलो पापा, मेरे दोस्त की माँ बीमार है, उनका इलाज जल्दी से जल्दी कर दो और पैसे मत लेना प्लीज। ऑपरेशन मेरे पापा ही कर रहे हैं, पैसों की टेंशन मत लेना, हॉस्पिटल हमारा ही है। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी माँ की जान बचाई, मैं आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब बात माँ की आती है ना तो अनजान इंसान की भी मदद कर देनी चाहिए। माँ और माँ का प्रोपेगेंडा, एक दो नोबेल प्राइज तो माँ भी डिजर्व करती है गाइस। साला माँ के नाम पे दुनिया का मामू बना रहे हैं लौंडे। कंट्रोल। सरकार अभियान चलाती है सावधान रहे सुरक्षित रहे, ये एक नई ब्रीड आई है मार्केट में, ये अभियान चलाते हैं आप डैश हैं तो आप डैश बनते रहें। वैसे इस भाई को नेक्स्ट सुपर हीरो ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करना चाहिए। वहाँ माँ बीमार हो, यहाँ इसने ऑपरेशन करवा दिया। उसकी माँ का नाम तो पूछ लेता, उसने तो बस ये बोला कि 50,000 रुपए की जरूरत है और सिटी हॉस्पिटल में जाना है। किसकी माँ का इलाज करवा रहा है तू है? इन लोगों ने लिटरली लॉजिक को लात मार दिया है। लात
वेट अ सेकंड, संडे को कौन से मैकेनिक की शॉप बंद होती है यार, मेरे को बताओ कोई, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं सुना कि संडे को मैकेनिक की शॉप बंद है। भाई संडे को तो उनका कमाई होता है अच्छे तगड़े वाला, बंदे छह छह दिन काम करने जाते हैं, संडे को ही तो गाड़ी बाइक सही करवाएंगे अपनी। कमाल कर रहे हैं यार। यार पापा देखो ना भाई, स्कूल नहीं जा रहे हैं। अच्छा ये स्कूल नहीं जा रहे, चलो अपन दोनों मिलकर उसको स्कूल छोड़ के आते हैं। भाई स्कूल नहीं जा रहा तो तेरी उम्र क्या कॉलेज जाने की है? ड्रेस पहन क्या तू भी स्कूल जा, ये क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? पापा मेरे को प्यास बहुत लग रही है। बेटा हाँ प्यास बहुत लग रही है बोल करके बेहोश ही तो हो जाते हैं। अबे यार कौन सिखा रहा है इन बच्चों को एक्टिंग? चमाइला इसमें पानी भी नहीं, तू ध्यान में पानी लगाया यार, तो पानी नहीं क्या? अबे क्या चांद पे स्कूल है तेरे बच्चे का? दूर दूर तक पानी नहीं है, कहाँ छोड़ने जा रहे हो बच्चे को स्कूल? जुपिटर पे या मार्स पे? बेटा यहाँ तो दूर दूर का पानी कहीं पे भी नहीं मिला। पापा बादल दो मुझे, मैं ले जाता हूँ मेरी बहन के लिए पानी। लो पापा पानी। भाई तुम कितना अच्छा, मैंने हमेशा तुमको गलत समझा, आज तुमने समुद्र के खारे पानी से मेरी जान बचा दी। पर भाई आसपास तो कोई समुद्र है नहीं, तुम खारा पानी कहाँ से ला? मेरा समुद्र खारा पानी कौन नहीं था, एक घूट पिलाया उस बच्चे को और वो बच्ची एकदम से होश में आ गई। भाई अमृत था क्या वो बच्चा? कह रहा है मैं टॉयलेट करके ले आया था बोतल में। अबे यार ये आदमी फ्यूचर खराब कर रहा है इन बच्चों का, मैं बता रही हूँ। है स्कूल छोड़ने ये चांद पे जा रहा है, दूर दूर तक इसको कुछ नहीं मिल रहा, किसी के घर नहीं मिल रहा, तालाब नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। How bad is it going to be if I slap him right now? भाई इतनी मेहनत तो पेरेंट्स ने नहीं करी होगी स्कूल जाने में, जैसे वो बताते हैं कि वो समुद्र तैर के जाया करते थे, उन्होंने भी इतनी मेहनत नहीं करी होगी। नहीं सद्दू देखो किसी का पर्स गिरा है। हाँ यार चलो देखते हैं। वाओ सद्दू इतने सारे पैसे किसके होंगे? इसमें नंबर है, चलो फोन करके पैसे रिटर्न कर देते हैं। पागल है क्या, इतने सारे पैसे चलना पार्टी करके आते हैं? हम लोग सही कर रहे हैं ना। अरे सबसे ये इतना क्यों सोचता है, चल सद्दू पार्टी करके बहुत मजा आ गया। हाँ यार रचना जिसका पर्स होगा बहुत परेशान होता होगा। पागल है क्या, हम लोग से क्या, हम लोग को पर्स मिला बस बात खत्म, हम लोग ने मजे किए, चल इतना नहीं सोचने का। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग ने मेरा यहाँ गिरा हुआ पर्स देखा क्या? नहीं क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मैं किसी से उधार लेके अपने बहन के शादी के लिए उस पर्स में पैसे रखे थे। हमने नहीं देखा। रचना मैंने बोला था ना जो पर्स में नंबर है कॉल कर देते हैं। हाँ सद्दू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोग कभी ऐसी गलती ना करें। अपनी बहन की शादी के लिए किसी से पैसे उधार लेके पर्स में रखा था और वो पर्स गिर गया। अबे तेरे पर्स में पैसे आए ही कितने होंगे, इतने से पैसे में अपनी बहन की शादी कर लेगा? अबे इतने ही निकाले हैं उसने यार, जैसा आप लोगों ने देखा। अगर वो 2,000 के भी नोट हुए तो ज्यादा से ज्यादा 40 या 20 इतने ही हजार होंगे, इतने में बहन की शादी हो जाती है क्या? नहीं लिटरली लॉजिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शॉर्ट्स। और वो बंदा पर्स ढूंढते हुए आया कैसे? पर्स ही तो ढूंढ रहा था अपना, ऐसे ढूंढते हुए आता ना, क्या कर रहा था तू? जी एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। मैडम जी, मैडम जी कुछ दे दो मैडम जी, ठंडी लग रही है। हाँ मैडम जी कपड़े चाहिए। हाँ मैडम जी रुको लाती हूँ। पापा पापा आंटी कहाँ गई है? कपड़े लेने गई है बाबू। ये लो मेरे लिए ठंडी, आगे गर्मी। मैडम जी शर्म नहीं आती है? गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें तड़पा रही हो, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भाई साहब आप रुकिए मैं आ रहा हूँ, निकलो यहाँ से। ये लो आप गरीबों की मदद कीजिए, भगवान आपकी मदद करेगा। पॉवर्टी तो फेवरेट टॉपिक है भाई साहब शॉर्ट्स वालों का, लिटरली फेवरेट टॉपिक है। और उसको कपड़े चाहिए थे, कम्बल ला के दे रहा है, कम्बल लपेट के घूमेंगे वो। बट वॉट बेटर वी कैन एक्सपेक्ट। और एक मिनट, 19-20 साल का आदमी भिखारी नहीं होता, कामचोर होता है। डोंट प्रमोट कामचोरी इन द नेम ऑफ पॉवर्टी प्लीज। मम्मी अभी अगर सुन लेगी मैं कामचोरी की बातें कर रही हूँ आके दो लगाएंगी, बाद में बोलेंगी तेरे पे खुद के कपड़े तो धुलते नहीं है तू कामचोरी बोल। सॉरी सॉरी सॉरी। और वो जो बंदा थप्पड़ मार के गया, मैडम जी इतनी इज्जत दे के मार कुछ भी कर रहे हैं भाई साहब, ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों में।
ओए साला अपुन कह रही है मैं इग्नोर ए अपुन कह रही है मैं तो अपुन इग्नोर कर रही है चल तेरे पास इतना माल निकाल ए तू भी निकाल ए चल निकल प्लीज हमें जाने दीजिए मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ हमारे पास अभी कोई पैसा नहीं है बस इलाज के लिए पैसा प्लीज मैं कुछ नहीं जानता मुझे माल चाहिए प्लीज हमें जाने दीजिए मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ है भैया ये क्या कर रहे आप वो उस दिन भैया इन दोनों ने ही मेरा हेल्प किया था सॉरी मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया ये रहा कुछ पैसे अपने भाई के इलाज करवा लीजिएगा अगर आज आप किसी के साथ अच्छा कर रहे तो कल आपके साथ भी अच्छा ही होगा अबे चमेली का तेल लगा के चांदनी रात में चमोली जाके घूमना रोड पे क्यों घूम रहा है घूमने की जगह होती है रोड ऐसे वीडियो देखने के बाद पता नहीं कौन से लोगों को कमेंट में ऐसा मजा मिल रहा होता भाई साहब वेरी वेरी इमोशनल वेरी सैड हार्ट ब्रेकिंग बहुत दुख हुआ देख करके भाई साहब यू आर वेरी वेरी फूल हम स्कूल टाइम में मोरल साइंस पढ़ते थे लेकिन ये सब देखने के बाद ना बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाएगी हर दूसरी वीडियो में इनकी माँ बीमार हो जा रही है मैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही तुम अच्छी खासी माँ को अपने बीमार कर दे रहे हो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है झूठ बोल करके पैसे ना ले हमेशा सच बोल करके ले कहीं पता चला जिस दिन आपको जरूरत हो आपको लात मार दे लोग #emotional सो आज की वीडियो बस इतना ही गाइस होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और शेयर करना बिल्कुल ना भूले फिर से याद दिला देते हैं हम आपको प्लीज अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक #emotional